कौन करता है इसके अंदर से चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास में सीपीयू या फिर हमारा मेमोरी यूनिट या आपका ए या फिर आउटपुट यूनिट ठीक है अब हम सब ने बचपन में पढ़ी है ये सब चीजें ठीक है तो मैं आपको पहले बताता हूँ मेमोरी यूनिट क्या करता है मेमोरी यूनिट का काम क्या है मेमोरी यूनिट बेसिकली क्या है ये अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है अमाउंट ऑफ डेटा अमाउंट ऑफ दी स्टोर कैन बी स्टोर मतलब वो आपका मेमोरी यूनिट है फिर आप एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है एलयू क्या होता है एलयू जो है आपके कंप्यूटर को इनेबल करता है मतलब इनेबल्स कंप्यूटर किस चीज में इनेबल करता है टू परफॉर्म मैथमेटिकल टू परफॉर्म टू परफॉर्म मैथमेटिकल मैथमेटिकल operations ठीक है मैथमेटिकल जो operations है वो करने में इनेबल करता है ALU और आउटपुट यूनिट क्या करता है फिर भाई आपका जो आउटपुट यूनिट है वो जो भी आउटपुट देगा कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन देगा उसे वो ह्यूमन रीडेबल बनाएगा कि इंसान उसको पढ़ सके ठीक है तो ये तीन ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए बाकी बचा है हमारा सी तो ऑप्शन जो है इसका सीपी सारे के सारे जो कैलकुलेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर और डिसीजन होते हैं वो कहाँ होते हैं सीपी के अंदर होते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ठीक है थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर